अरे मजा आ गया अनुपमा के सारे एपिसोड्स देख लिए, अब आराम से सो जाऊंगा। पर उससे पहले प्यास लगी है तो किचन में जाके पानी पी लेता हूँ, ठंडा ठंडा शील्ड पानी पी के सो जाऊंगा। पर एक सेकंड, ये हमारे स्विमिंग पूल में कोहरे क्या कर रहे है? अबे ओए क्या कर रहे हो? ओए दिख नहीं रहा क्या क्रिमिनल, हम सब भाई लोग ना रहे हैं। अरे ये क्या, मैं पूरी रात अनुपमा देख रहा था, सुबह हो गई और मैंने तुम लोगों को बोला है ना सुबह होते ही निकल जाओ, अगर आदम चाचा तुम लोगों को देख लेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। ओए हाँ हमें पता है, आदम चाचा तो 8 बजे उठते है और अभी तो 6 ही बजे है। हाँ ठीक है ठीक है, और पता है ना मैं फ्री में नहीं नहाने देता मेरे स्विमिंग पूल में, पैसा लाए। ओए वो रखे 1,00,000 रुपए कैश, जा गिन ले। नहीं नहीं मुझे बस इंसानों पे भरोसा नहीं है, जानवरों पे तो है, इसलिए गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ओए वैसे तू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया, रोज तो 9 बजे उठता है। अबे सारो पता नहीं है, रोज सुबह जल्दी ही उठना चाहिए और स्कूल पे भी जल्दी जाना चाहिए। ओए हाँ ओए हम भी बस स्कूल ही जा रहे हैं, चल कल मिलते हैं। हाँ मैं भी आलसी आदम सासा और इप्पू को जगाता हूँ, अभी तक नहीं उठे, इनकी वजह से मैं रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। हाँ सकुरी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, पर भैया मत बोलो। अबे बहुत देख रही है सपने, अब उठो लेट हो रहा है, स्कूल जाना है। ये क्या तू सुबह सुबह जल्दी उठ गया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं कोई सपना नहीं है, चलो अब जल्दी से उठो और ब्रश करके नहाड़ो, हमें स्कूल जाना है। हाँ ठीक है चल 5 मिनट में आता हूँ, तू इप्पू को उठा। टॉयलेट में आ गया है, इस दुनिया को राक्षसों से बचाने आ। ए टॉयलेट मैन चल उठ, स्कूल जाना है। ये क्या आज हम फिर से लेट हो गए? नहीं नहीं आज मैं जल्दी उठ गया और तुम सबको भी जगा रहा हूँ। हाँ ठीक है चल, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। हो अबे ओ क्रिमिनल यहाँ आ तो 2 मिनट। सासा क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ये सब क्या है हमारे स्विमिंग पूल में, ये सब किसने किया, तूने किया क्या? अबे यार ये घोड़ों ने फिर से स्विमिंग पूल में टट्टी कर दी, मना किया है यहाँ मत किया करो। अबे क्या बड़बड़ कर रहा है, सही से बोलना। हाँ सासा वो पता नहीं कल रात को गलती से मैं टॉयलेट की जगह यहाँ पर आ गया होगा। अबे नहीं मुझे तो ये किसी जानवर का काम लग रहा है। नहीं नहीं सासा जानवर हमारे घर में कैसे आएंगे, मैंने किया है यकीन करो मेरा, मैं बता रहा हूँ फिर भी आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? बाबू मोसाई चलो ना, कब से राह देख रहा हुआ। सासा सड़ो ना, क्या टाइम पास कर रहे हो, हिप्पू हमारा भेंट कर रहा है। चाचा आज पहली बार हम स्कूल पे टाइम से पहले पहुँच जाएंगे, सर हमें शाबाशी देंगे। हाँ आप लोग मेरे को थैंक यू बोलो, क्योंकि आज मैंने आपको जल्दी उठा दिया, वरना रोज लेट पहुँचते हैं। हाँ मानना पड़ेगा हिप्पू, क्रिमिनल अब सुधर गया है, जल्दी उठने लगा है। बाकी गाइज FF वर्ल्ड वाली चैनल पे नया वीडियो आ चुका है, लिंक कमेंट में है, देख लेना। और अगर कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। हो हाँ सासा आप लोगों को मेरे से कुछ सीखना चाहिए। और ये लो हम पहुँच गए स्कूल। और ये क्या स्कूल पे तो कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? हाँ यार यहाँ तो एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा। सासा वो हम सबसे पहले पहुँच गए हैं ना, इसलिए अभी देखना थोड़ी देर सब आएंगे। वैसे गाइज हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ वीडियो को भी लाइक कर दो, फिर आप भूल जाते हो। सुबह सुबह बिमल खाने का मजा ही अलग है। अरे ओ प्रिंसिपल मैडम, सुबह सुबह बिमल नहीं मिली क्या, जो स्कूल का रास्ता भूल गए? यहाँ पे स्कूल है, आगे कहाँ भागी जा रही हो? ये क्या ये नमूने आज स्कूल पे क्या कर रहे हैं? देखो मैडम हम आज स्कूल पे सबसे पहले पहुँच गए हैं, आपसे भी पहले। अबे नूबड़े बहुत अकल के अंते, दिमाग से पैदल है क्या? वो तारीफ कर रही है सासा, आज हम जल्दी पहुँच गए ना इसलिए। हाँ सही कहा, थैंक यू मैडम। हिप्पू मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे नूबड़ी के आज संडे है, चले आए सुबह सुबह मुंह उठा के। सासा मैडम बोल रही है आज तो संडे है। तो सड़ो घड़े सड़ते हैं। साले सुबह सुबह जल्दी उठाकर हमें संडे को स्कूल ले आया। अरे सासा संडे हो या मंडे, पढ़ाई करने के लिए कोई दिन नहीं होता। साले अभी तेरे पे गोला छोड़ता हुआ। ओए संडे को क्रिमिनल को बहुत मारा ओए, और आज हो गया मंडे और ये लोग चले गए स्कूल। ओए क्रिमिनल ये तू क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, सही से बैठ जा, अगर सर आएंगे ना तो तेरी वजह से हमें भी सुनना
करना पड़ेगा। सासा मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्वैग है। वैसे फोर्ड, आज तूने होमवर्क किया कि नहीं? मैं तो करके आया हुआ। अरे हिप्पू, आज कोई होमवर्क ही नहीं था, वो क्या बात कर रहा है? ओसा ऐसी बात है तो मैं क्या करके आया? गुड मॉर्निंग सर। यो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे सो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश क्लास। सर सर मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल गेमर का वीडियो देख के आए है सर। रे बच्चो, आज तुम्हारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला से, स्वागत करो विनोद का। यो मेरे बहन का बेटा से, थोड़ा नोटी से पर पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट से। ये लो सर, ऐसा ही करते हैं, हर बार अपने कोई ना कोई रिश्तेदार को ले आते हैं। पिछले साल अपने जीजू को ले आए थे, आज जीजू का बेटा आ गया। हाँ बाबू मोसा, ये तो नेपोटिज्म है, साल के बीच में स्टूडेंट्स ले आते हैं। जा बेटा बैठ जा, तुझे जहाँ बैठना है वहाँ। अबे मुझे यहाँ बैठना है, चल नूबरे खड़ा हो, ये मेरी सीट है भाई, आप कहीं और बैठ जाओ ना। नूबरे मैंने एक बार बोला ना खड़ा हो तो खड़ा हो, मुझे यहीं पर ही बैठना है, तू कहीं और बैठ जा। नहीं बाबू मोसा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो यहीं बैठेगा। अच्छा यहीं बैठेगा, रुको मामू इस नूबरे को यहाँ से हटाओ, मुझे यहीं पर ही बैठना है। बेटा रुक जा, मैं पहले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता सू, आज हम इंग्लिश शब्दों के हिंदी मतलब समझेंगे। जैसे कि फोर्ड, फोर्ड का मतलब होवे से धोखेबाज गद्दार। तो भाई हमारे क्लास में कोई फोर्ड से? सर मेरा नाम फोर्ड है। ओ अच्छा भाई फोर्ड, तो एक काम कर पीछे खड़ा हो जा। ठीक है साहब, ये लो आ गया, पर यहाँ क्यों? क्योंकि मैं सिखाने वाला सू फोर्ड के साथ के करना चाहिए, फोर्ड को गुस्सा मार के बाहर फेंक देना चाहिए। रे बेटा अब तू वहाँ बैठ सकता से, और मामूली चेयर में ना बैठना, गेमिंग चेयर में बैठ। वाह मामू मजा आ गया, गेमिंग चेयर के साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी है। अबे क्रिमिनल हिप्पू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। नहीं सासा, हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हाँ बाबू मोसा, हम आपके तरह कायर नहीं है जो चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे। अरे पर इसके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, हम सीधा प्रिंसिपल मैडम को ही कंप्लेन करेंगे। नहीं हम तो सीधा इसको ही कहेंगे, सर ये सब नहीं सड़ेगा। अच्छा तो तन्ने दिक्कत हो रही से, मैंने फोर्ड को निकाल दिया इसलिए। हाँ सर है दिक्कत हमें। कोई ना, तो चलो बच्चों ये इंग्लिश का लेक्चर से, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे। बाबू मोसाई हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती, हम सर से बहस कैसे करेंगे इंग्लिश में? अरे हिप्पू मुझे आती है ना, टेंशन काय को लेता है, सर कुछ भी बोले यस सर बोल देना। बताओ भाई मंजूर से, कर पाओगे बात इंग्लिश में? हाँ यस सर। So you have a problem because I kick out Ford from the class. Yes sir, problem yes. I know it is my mistake but Ford is noob. Yes sir, noob. Shut up you noob, toilet cleaner. Yes sir. Are you toilet cleaner? Yes sir, toilet man. अरे क्या yes sir वो बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारी। ले भाई ब्रेक का टाइम हो गया, कोई ना कल देख लूंगा भाई तुम दोनों टॉयलेट क्लीनर को। जाओ बच्चों सब नाश्ता कर लो भाई। मामू भी ना बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर मैं होता तो इन जैसों को क्लास में बैठने ही नहीं देता। अबे इन जैसों से क्या मतलब है तेरा? तेरी औकात नहीं है हिप्पू के बाजू में बैठने की, समझा? अपनी चेयर्स देख लो, औकात पता चल जाएगी। मैं हूँ गेमिंग चेयर वाला और तुम ये सड़ी चेयर वाले। देख मुझे गुस्सा मत दिला, बहुत बोल रहा है तू। ये हथौड़ा देखा है ना, इतना भारी है, एक पड़ेगा ना साले बत्ती सी बाहर आ जाएगी। अबे साले तू सिर्फ एक कुत्ता है और कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं। अपनी औकात में वे, समझा कुत्ते। अरे क्रिमिनल चल ना, तू भी क्या इसके साथ बहस कर रहा है? सासा इसने मेरे को कुत्ता बोला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे कुत्ता तो एक अच्छा एनिमल है, वफादार होता है, सब पसंद करते हैं उसे, ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो फिर मैं कुत्ता हूँ, हाँ सही कहा भैया जी, ये लाल कुत्ता और उसका सेठ भी है। हा। अरे नहीं, दोनों कुत्ते ही है, गोली के कुत्ते। आवा आवा
अबे सर की बहन के बेटे, मुझे कुत्ता बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? तू कुत्ता, नूबड़ा, कमीना, बोट, चिमकांडी, गधे का बच्चा। सासा यार, अभी तो बोल रहे थे कुत्ता एक ऐसा एनिमल होता है, और अभी गुस्सा हो गए? साले कच्चे वाले, तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है, मेरे से पंगा मत ले, ठाट डालेगा। अच्छा तो तुझे लड़ना है? हा? चल एक काम करते हैं, स्कूल के बाद मिलते हैं। तू अपने लोगों को लेके आ जाना और मैं अपने लोगों को, देख लेंगे कौन किसको काटता है। अच्छा तो चल बाद में, क्यों अभी बुला लेते हैं अपने आदमी लोग को, फैसला खोल ही लेते हैं किसमें कितना दम है। 10 मिनट में मिलते हैं स्कूल ग्राउंड में। ओए 10 मिनट बाद, ओए मेरे भाइयों, आज हम जमा हुए हैं यहाँ एक खास मकसद से, नूबरे आदम को अपनी औकात दिखाने के लिए। हमने इन नूबरों को अपने क्लास में क्या बिठा लिया, ये तो हमसे बराबरी करने लगे हैं। क्या इनकी औकात है हम प्रो के साथ बराबरी करने की? सही कहा भैया, ये नूबरे अपनी औकात भूल गए हैं। इनको हम प्रो के सामने सिर झुका के रहना चाहिए। हाँ आज तो सर कटेगा या तो झुकेगा, एक भी नूबरे को मत छोड़ना भाइयों, सबको खाट डालना। अरे नहीं जी, नूबरों को नहीं मारना चाहिए, ये गलत है, मैं उसको नहीं मार पाएगा। तेरे जैसे लोग हम प्रो बंडल्स की इज्जत मीठी में मिला रहे हैं। अरे आदम देख तो सही भाई, वो कितने सारे लोग हैं, हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? मेरे प्यारे नूबड़े भाइयों, डर तो उन्हें लगना चाहिए, क्योंकि वो इतने सारे होने के बावजूद भी हम मुट्ठी भर लोग उनके सामने डट कर खड़े हैं। उनको हम हराएंगे हमारी हिम्मत से, हम लड़ेंगे। भाइयों अपने अपने हथियार उठा लो, समय आ चुका है, खाट डालेंगे। दोस्तों आक्रमण, काट डालूंगा, इले किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।